गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सभी? होप सो बढ़िया होंगे। क्या हाल है हम सबके? उम्मीद है कि सभी एकदम बढ़िया होंगे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 4 अगस्त का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स, वो डिस्कस करेंगे। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन अगर प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हर क्लास के नोटिफिकेशन आते रहे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो पीडीएफ के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी बैंक के एग्जाम्स टेलीग्राम चैनल और ग्रुप, वहां से आपको पीडीएफ्स मिल जाएंगे। ठीक है, सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और अगर इस वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करें, और शेयर नहीं किया तो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में एक बार शेयर कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करेंगे आज के सेशन को, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 4 अगस्त का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। ओके, चलिए तो यहां से अगर हम बात करें, आपका नया बैच स्टार्ट हो चुका है। इस बैच को आप ज्वाइन करने के लिए सब्सक्रिप्शन कोड लगा सकते हैं, रेफरल कोड लगा सकते हैं, RKYT10, RKYT10 रेफरल कोड लगा सकते हैं। और अगर सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी है अनअकैडमी प्लस का तो आप ऐसे ही ज्वाइन कर सकते हैं इसको। 2 PM पे आज से क्लास स्टार्ट हो रहा है, ज्वाइन कर लीजिए। आज से बैंकिंग ऑफ बैंकिंग इंडियन बैंकिंग हिस्ट्री हम लोग कवर करने वाले हैं इस बैच में, इस क्लास में। और 10 अगस्त से नया बैच आ रहा है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये MCQs बेस्ड होगा, और ये वाला जो बैच है गाइज, ये डिटेल बैच होगा, ये डिटेल बैच रहने वाला है। तो मतलब बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है आपके आने वाले सभी एग्जाम्स में ये बैच, चाहे वो डिटेल का हो चाहे वो MCQs का हो। ठीक है, एंड आज का जो हमारा मोटिवेशनल कोट है वो आपकी स्क्रीन पे है, डू इट नाउ बिकॉज दे सेड यू कुडंट। मतलब आप अभी करो इसको, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको बोला है कि बेटा तू ये नहीं कर सकता। आपके बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स होंगे, आपके बहुत सारे ऐसे रिलेटिव्स होंगे जिन्होंने बोला है कि तू ये नहीं कर सकता, तेरे बस की बात नहीं है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नेहल, राजीव, बिमलेश, अंकिता, रॉयल, अनित, लक्ष्मी प्रिया, रवि, अनूप, ओमे सिंह, चंदन, मनीष, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो आपने ये देखा है कि डू इट नाउ बिकॉज दे सेड यू कुडंट, मतलब आप नहीं कर सकते, ये आपको अभी ये करना पड़ेगा, आपको ये दिखाना पड़ेगा उनको कि यस आई कैन डू, यस आई विल, मैं करूंगा, मैं कर सकता हूं। आपके कहने मात्र से क्या होता है, मैं करके दिखाऊंगा, मैं करके दिखाऊंगी। ठीक है, तो ये अंदर से एक पॉजिटिव वाइब्स आपके अंदर से आनी चाहिए। तो अब स्टार्ट करेंगे जो लास्ट डे, यानी कि कल के सेशन में मैंने आपसे कुछ स्टैटिक के क्वेश्चन पूछे थे, उनके आंसर बताऊंगा मैं। और सेशन के लास्ट में फिर से मैं आपसे 5 स्टैटिक के क्वेश्चन पूछने वाला हूं। आपके आंसर कॉमेंट सेक्शन में मुझे मिलने चाहिए, कॉमेंट सेक्शन में आपने आंसर करने हैं, कमेंट सेक्शन में गाइज आपने आंसर करने हैं। ठीक है, स्टैटिक की बात करते हैं क्वेश्चन एंड आंसर की। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि विच स्टेट इज लोकेटेड बादला सोलर पार्क। बादला सोलर पार्क जो है, बादला सोलर पार्क जो है वो कहां पे है? बादला सोलर पार्क कहां पे है? राजस्थान में है। कहां पे है? राजस्थान में है। सेकेंड क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था वर्ल्ड पॉपुलेशन डे जो है वो कब ऑब्जर्व किया जाता है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? 11th of July को हम ऑब्जर्व करते हैं, 11th July को ऑब्जर्व करते हैं हम लोग वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। नेक्स्ट है आपका सिचुएटेड कहां पे? पापिकोंडा नेशनल पार्क। इंपॉर्टेंट है, स्टार्टिंग में देखिए ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, और इस बात की गारंटी है कि जितने भी मैं आपको स्टैटिक करा रहा हूं यहां से 101% आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो पापिकोंडा नेशनल पार्क कहां पे है, क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया कि पापिकोंडा नेशनल बार कहां पे? आंसर होगा सी, आंध्र प्रदेश में। कहां पे? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इन विच स्टेट सेलिब्रेटेड हरेली फेस्टिवल इन इन द खरीफ सीजन। हरेली फेस्टिवल जो है खरीफ सीजन में कहां पे सेलिब्रेट किया जाता है, किस स्टेट में किया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ करेक्ट आंसर होगा। भाई अगर अभी तक आपने इसको लाइक और शेयर नहीं किया तो एक बार लाइक और शेयर कर दे, और चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ओके, चलिए बहुत खूब, एक बार शेयर कर दे सभी लोग अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में। अगला सवाल है, नेक्स्ट है आपका एक्को जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीईओ पूछे गए इसके, प्रेजेंट सीईओ कौन है एक्को जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड के? तो आंसर क्या होगा इसका? वरुण दुआ करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? वरुण दुआ। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वरुण दुआ करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, याद रखना है। अब हम चलते हैं डिटेल की तरफ, डिटेल हमारा आज का डिटेल स्टार्ट करेंगे, और डिटेल हम स्टार्ट करते हैं अपॉइंटमेंट प्रमोशन और रेजिग्नेशन से। तो यहाँ पे अपॉइंटमेंट
परसेंट की बात करेंगे मैक्सिमम केसेस में। और यहाँ पे अगर हम बात करें मोतीलाल ओसवाल जो आपका एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, जो आपका मोतीलाल ओसवाल एएमसी है, इसने अपॉइंट किया नवीन अग्रवाल को एमडी के तौर पे। मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है किसको? नवीन अग्रवाल जी को। नवीन अग्रवाल जी को मोतीलाल ओसवाल एसेट मैनेजमेंट कंपनी में, किसमें? मोतीलाल ओसवाल एसेट मैनेजमेंट कंपनी में, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इनको एमडी के तौर पे अपॉइंट किया गया है। मोतीलाल ओसवाल जो है वो चेयरमैन एंड एमडी हैं, आपके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के। एंड अगर हम बात करें स्टैटिक पोर्शन की मोतीलाल ओसवाल ग्रुप की, तो मुंबई में इसका हेडक्वार्टर, एमडी एंड चेयरमैन जो भी हैं आपके वो मोतीलाल ओसवाल हैं, मोतीलाल ओसवाल हैं। स्टैटिक आपको याद रखना है, रिलेटेड फैक्ट्स आपको याद रखने हैं, न्यूज ये इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर हम बात करें नवीन अग्रवाल जी की, तो ये जो फोटो में आप देख रहे हैं ये नवीन अग्रवाल जी हैं, इन्हीं को एमडी मोतीलाल ओसवाल एएमसी में अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट है आपका आइवरी कोस्ट जो है, इसके डिफेंस मिनिस्टर थे आइवरी कोस्ट के, इनको जो इनका नाम है हामिद वकेयोको, हामिद वकेयोको, तो इनको जो है आपका नॉमिनेट किया गया है नए प्राइम मिनिस्टर के तौर पे, जो वहां के डिफेंस मिनिस्टर थे, जो वहां के डिफेंस मिनिस्टर थे आपके आइवरी कोस्ट के डिफेंस मिनिस्टर को अब नया प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया गया है, नया प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया गया है। यहां के जो प्रेसिडेंट हैं आइवरी कोस्ट के, जो प्रेसिडेंट हैं अलासाने ऑटारा, इन्होंने अपॉइंट किया डिफेंस मिनिस्टर हामिद जी को प्राइम मिनिस्टर के तौर पे, नए प्राइम मिनिस्टर इन्होंने अपॉइंट किया है, याद रखना मेरे भाई। अगर हम स्टैटिक पोर्शन की बात कर ले, तो आइवरी कोस्ट की बात करें तो यामुस्को कैपिटल है, और सीएफए फ्रैंक जो है वो वेस्ट अफ्रीकन सीएफए फ्रैंक करेंसी है यहाँ का। देखिए स्टैटिक में जो करंट जो कंट्री रिसेंटली बहुत ज्यादा न्यूज में रहा होता है, उसी का कैपिटल और उसी का करेंसी आपसे पूछा जा सकता है। तो यहां से ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जब भी कोई न्यूज में कंट्री आ जाता है तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। वहां के आपसे हेड भी पूछ सकता है, लाइक प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर वगैरह, तो वो भी आपको यहां से याद करना है, क्योंकि जब भी किसी भी कंट्री की बात की जाती है, इट मीन्स कि आपके एग्जाम के किसी एक क्वेश्चन की बात की जा रही है स्टैटिक के, ठीक है। तो ऐसे करके मतलब फिर आपको उसको इंपॉर्टेंट लेके याद करना है, ठीक है। ये जो फोटो में आप देख रहे हैं ये हामिद जी हैं, और इनको प्राइम मिनिस्टर, नए न्यूली प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया गया है, याद रखना है आपको। और अलसेन ओटारा ने किया है, ये राष्ट्रपति हैं यहाँ के, प्रेसिडेंट हैं। आगे अगर हम बात करें ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड जो है, ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड, फॉर्मर आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल जी को इन्होंने एडिशनल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पे अपॉइंट किया है। दैट इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि बात करी गई यहाँ पे फॉर्मर आरबीआई गवर्नर की, उर्जित पटेल जी की, ठीक है। तो उर्जित पटेल जी से दो तीन न्यूज यहाँ से इंपॉर्टेंट बन सकती है, स्लाइड से वो मैं आपको बताता हूँ एक एक करके। तो जो आपका ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड है, इसने अनाउंस किया है, इट्स बोर्ड हैज अपॉइंट, इसने इसके जो बोर्ड है उसने अनाउंस किया, उसने अपॉइंट किया है आरबीआई के फॉर्मर गवर्नर जो है उर्जित पटेल जी, इनको एडिशनल एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पे, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पे इन्होंने अपॉइंट किया है। कितने टर्म के लिए? तो फॉर अ टर्म ऑफ 5 इयर्स, 5 साल के लिए अपॉइंट किया गया है, और ये 1 अगस्त से इफेक्ट में आ गया है, ये आपको याद रखना है। इनकी जो पोस्ट है ये 1 अगस्त से इफेक्ट में आ गई, और अगले 5 साल के लिए इनको एडिशनल और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पे अपॉइंट किया गया है। आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, वो अभी रिसेंटली न्यूज में था कि चेयरमैन ऑफ द गवर्निंग बॉडी ऑफ द नेशनल इंस्टीट्यूट पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी, इसके चेयरमैन बनाए गए हैं, इसके चेयरमैन बनाए गए हैं आपके, अपॉइंट किए गए हैं चेयरमैन, गवर्निंग बॉडी जो आपका बनाया गया गवर्निंग बॉडी बनाए गए हैं और चेयरमैन अपॉइंट किए गए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी के, ठीक है, किसके? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी के, NIPFP के चेयरमैन और गवर्निंग बॉडी जो है वो अपॉइंट किए गए हैं, कौन? उर्जित पटेल जी, ये इंपॉर्टेंट है। तीसरा क्वेश्चन यहां से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इन्होंने एक बुक लिखी थी, बुक का टाइटल क्या है? तो ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, ये बुक का टाइटल है, और इस बुक को पब्लिश किया है हार्पर कोलिंस इंडिया ने। किसने पब्लिश किया है? हार्पर कोलिंस इंडिया ने। भाई मेरे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखिए यहां से 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं,
तो ये जो 5 ईयर टर्म रहेगा इनका, 5 साल के लिए ये एडिशनल और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाए गए किसके, ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड के, ठीक है। इसके बाद में ये चेयरमैन और गवर्निंग बॉडी बनाए गए, जो आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी है, इसमें 4 साल के लिए, ठीक है। 22 जून से ये इफेक्ट में आ चुका है। एंड इन्होंने एक बुक लिखी, और बुक का टाइटल क्या है, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, ये बुक का टाइटल। और इस बुक को पब्लिश किसने किया, तो हार्पर कोलिंस ने पब्लिश किया है, दैट इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड स्टैटिक पोर्शन की गाइज अगर हम बात कर लेते हैं, तो के एम सेठ जो है वो चेयरमैन है, भारत के सेठ जो है, भरत के सेठ सॉरी, वो डिप्टी चेयरमैन है और एमडी है, ठीक है। ये यहां से इंपॉर्टेंट रहेगा और आपको याद रखना है। आगे हम चलेंगे नेक्स्ट न्यूज की तरफ। तो यहाँ पे जो आपका टेक मेजर एचपी है, एचपी जो है, टेक मेजर एचपी, इसने क्या किया, इसने केतन पटेल को अपॉइंट किया है मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पे ग्रेटर इंडिया ऑपरेशंस के लिए, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि केतन पटेल जी जो है वो टेक मेजर एचपी में मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पे अपॉइंट किए गए हैं ग्रेटर इंडिया ऑपरेशंस के लिए। और साथ ही साथ में ये रिस्पॉन्सिबल भी रहेंगे कंपनी के बिजनेस में, इंडिया बांग्लादेश और श्रीलंका को भी देखेंगे, इसमें इनका रोल रहेगा, किसका, केतन पटेल जी का। एंड अब यहां से जो इंपॉर्टेंट बनता है, वो केतन पटेल जी ने किसको रिप्लेस किया, तो रिप्लेस किया विनय अवस्थी को। जब भी क्वेश्चन अपॉइंटमेंट का आ जाता है, तो अगर वहां से कोई भी रेजिग्नेशन या फिर रिप्लेसमेंट रहता है, तो वो मैं इसमें ऐड कर देता हूं, ताकि आपको दिक्कत ना हो, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि केतन पटेल जी को सॉरी विनय अवस्थी को किसने रिप्लेस किया टेक मेजर एचपी में, या फिर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि केतन पटेल जी जो कि टेक मेजर एचपी में मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किए गए, इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, इन्होंने किसको रिप्लेस किया, तो विनय अवस्थी को रिप्लेस किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एचपी की बात करें तो पालो अल्टो में इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया के अंदर, कैलिफोर्निया में। ये फोटो में आप देख रहे हैं केतन पटेल जी हैं। अब आ जाती है बात लिस्ट की, मैं क्या करता हूं आपको लिस्ट दे देता हूं भाई, ये आपको यहां से याद करने में दिक्कत ना हो। अब जैसे पेटीएम मनी में वरुण श्रीधर को सीईओ के तौर पे अपॉइंट किया गया है, ये याद रखना है आपको, ये आपके रिवीजन के पर्पस से दी हुई है, ये आपके रिवीजन के पर्पस से दी हुई है। अब जितनी आज की 4 अपॉइंटमेंट है, ये 3-4 अपॉइंटमेंट भी आपको यहां से कल मिल जाएंगी, ठीक है, ताकि आपको रिविजन करने में दिक्कत नहीं आएगी, पूरे मंथ का आपको ऐसे ही मिलने वाला है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें पीएम मोदी की, जो पीएमओ ऑफिस है उसमें हार्दिक सतीश चंद्र शाह जी को पर्सनल सेक्रेटरी के तौर पे अपॉइंट किया गया। एंड ओरिएंटल इंश्योरेंस में एस एन राजेश्वरी को सीएमडी के तौर पे अपॉइंट किया गया है, दैट इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलते हैं नेशनल एंड स्टेट न्यूज सेक्शन की तरफ। तो जम्मू एंड कश्मीर का जो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है, ये ऑर्गेनाइज कराएगा, ये ऑर्गेनाइज कराएगा 22 अगस्त को ई लोक अदालत। ई लोक अदालत जो है जम्मू एंड कश्मीर का लीगल सर्विस अथॉरिटी जो है, स्टेट का जो आपका जम्मू एंड कश्मीर है, इस यूटी का जो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है, ये क्या कराएगा, ये मेरे भाई एक ई लोक अदालत है, वो कंडक्ट कराएगा, वो ऑर्गेनाइज कराएगा 22 अगस्त को, सैटरडे को। एंड ठीक है, ये किसके गाइडेंस में किया जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो चीफ जस्टिस जो जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट की हैं, गीता मित्तल जी, इनके गाइडेंस में ये आपका ऑर्गेनाइज कराया जाएगा ई लोक अदालत। ई लोक अदालत यहाँ पे भैया सोशल डिस्टेंसिंग और वो सभी स्ट्रिक्टली फॉलो किए जाएंगे ई लोक अदालत के टाइम पे, ये भी आपको याद रखना है। एंड दिस पीपल फ्रेंडली डिसीजन हैज बीन टेकन बाय द जम्मू एंड कश्मीर SLSA कीपिंग इन व्यू ऑफ हार्ड से फेस, ये सब इसमें लिखा हुआ है। तो यहाँ से जो इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, वो बस इतना है कि ई लोक अदालत जो है वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज कराया गया, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, तो जम्मू एंड कश्मीर लीगल जम्मू एंड कश्मीर में कराया गया, किसके द्वारा कराया गया, तो ये जो आपका जम्मू एंड कश्मीर का लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है उसके द्वारा कराया गया। एंड इसके अलावा अगर हम बात करें किसके गाइडेंस में कराया गया, तो चीफ जस्टिस जो है जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट की गीता मित्तल जी, इनके गाइडेंस में कराया गया। अब क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि गीता मित्तल जी, या फिर क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि जम्मू एंड कश्मीर की जो हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस कौन है, तो गीता मित्तल, ये पूछ सकता है, या फिर ये भी पूछ सकता है कि गीता मित्तल जी जो है वो किस स्टेट, किस यूटी की चीफ जस्टिस हैं, तो ऑप्शन में आपको मिल जाएगा जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, जो भी आपका रहेगा, तो उसमें आपने जम्मू एंड कश्मीर टिक करना है। देखिए इंपॉर्टेंट, ये तरीका होता है पढ़ने का, ये तरीका होता है समझने का, ये तरीका होता है पढ़ाने का। सो ये यहां से देखिए ऐसे करके करोगे तो इंपॉर्टेंट रहेगा, मतलब इंपॉर्टेंट तो रहेगा भाई, लेकिन याद इजिली हो जाएगा,
याद इजीली हो जाएगा। वो एक हैबिट पड़ी हुई है मेरी, मेरे मुंह से निकल जाती है कभी कभार, तो मेरी जुबान टूट जाती है कि फ्लो फ्लो में बहुत कुछ निकल जाता है कि याद करना है, ये वाला याद करना है। अतुल एक्सप्रेस ज्ञान जी, गुड मॉर्निंग। ठीक है चलिए आगे, अगर स्टैटिक पोर्शन की बात करें जम्मू एंड कश्मीर की, तो जम्मू जो है वो विंटर कैपिटल है और श्रीनगर जो है वो समर कैपिटल है। गिरीश चंद मुर्मू आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, ऑल इंडिया रेडियो से न्यूज लिया गया है आपका ये, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मध्य प्रदेश की जो स्टेट गवर्नमेंट है, इस ये स्टार्ट करेगी एक कैंपेन, नाम दिया इसने इस कैंपेन का एक मास्क अनेक जिंदगी, पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन जो है एक स्टार्ट करेगी कौन, आपका मध्य प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट। और ये डिसीजन आपका जो एमपी के चीफ मिनिस्टर हैं आपके, कौन है, क्या नाम है, शिवराज सिंह चौहान जी, उनके द्वारा ये डिसीजन लिया गया है, एक मास्क अनेक जिंदगी जो है ये कैंपेन चलाया जाएगा। अब इस कैंपेन का भैया क्या एम क्या है, एम ये है कि यहाँ पे प्रोटेक्शन, आप जानते हैं कि मास्क से यहाँ पे लोगों को कोरोना से बचाना है, तो कोरोना से बचाने के लिए उनको अवेयरनेस फैलाना पड़ेगा ना कि मास्क का यूज करो। दैट्स वाई ये कैंपेन आपका एमपी के जो एमपी है उसने स्टार्ट किया है, उसने ये स्टार्ट किया। सो ये याद रखना है। अगर हम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की बात करें, इन्होंने अपील किया वियर मास्क को वियर करने के लिए एंड फॉलो फिजिकल डिस्टेंस को, 2 गज देह की दूरी के लिए। इसलिए आपका ये कैंपेन स्टार्ट किया गया है, फॉलो द प्राइम मिनिस्टर्स अपील अ पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन कॉल्ड एक मास्क अनेक जिंदगी। ठीक है, एक मास्क अनेक जिंदगी ये आपका कंडक्ट कराया जाएगा मध्य प्रदेश में, ये आपको याद रखना है। एंड 15 अगस्त तक बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ठीक है। चलिए शिवम कुमार जी भी हमारे साथ में, बहुत खूब, बहुत अच्छे, एक बार शेयर कर दो यार जितने लोग भी। स्टैटिक की बात करें, शिवराज सिंह चौहान चीफ मिनिस्टर है, आनंदीबेन पटेल जो है वो गवर्नर है, ठीक है। चलिए नितिन गडकरी जी ने यहाँ पे इनॉग्रेट किया है अप स्ट्रीम कैरिज वे जो है महात्मा गांधी ब्रिज के ब्रिज पर, रिवर गंगा के ऊपर यहाँ पे बिहार में इनॉग्रेट किया है नितिन गडकरी जी। क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन कैसे बनेगा वो बता दूं मैं, कि रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर, ठीक है, अतुल एक्सप्रेस जी, ये सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपका एसएससी, बैंक, रेलवे, पुलिस, कुछ भी हो, स्टेट का एग्जाम हो या फिर आपके सेंटर का एग्जाम हो, कहीं का भी हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर कौन है, नितिन गडकरी, क्वेश्चन एक पूछा जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे क्या किया, इन्होंने इनॉग्रेट किया है अप स्ट्रीम कैरिज वे को, कहाँ पे, महात्मा गांधी ब्रिज पे और आपका रिवर गंगा पे, ओवर रिवर गंगा बिहार के अंदर, और ये आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू किया गया, इंपॉर्टेंट रहेगा, याद करना। बिहार की बात करें तो पटना कैपिटल है, फागू चौहान गवर्नर है। आगे हम बात करें, ये नितिन गडकरी जी हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने लॉन्च किया विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21। तो जो आपके डॉक्टर हर्षवर्धन जी हैं, इन्होंने लॉन्च किया विद्यार्थी विज्ञान मंथन लॉन्च किया 2020-21 जो है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर ने। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर कौन है, डॉक्टर हर्षवर्धन जी हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन, इन्होंने लॉन्च किया विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2021। ओके, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ये याद रखना है। और ये जो इनिशिएटिव है ये 6th क्लास से लेके 11th क्लास के स्टूडेंट तक के लिए है। अब भैया क्यों विद्यार्थी विज्ञान मंथन क्यों लॉन्च किया गया, तो यहाँ पे पॉपुलर किया जाएगा, पॉपुलराइजिंग करी जाएगी साइंस की, या फिर हम कह सकते हैं प्रमोट किया जाएगा साइंटिफिक एक्यूमेन को स्टूडेंट्स के बीच में, ठीक है। साइंस साइंस के अंदर टैलेंट दिखाएंगे, साइंस को प्रमोट किया जाएगा एक तरीके से, साइंस को लेके अवेयरनेस फैलाई जाएगी स्टूडेंट्स हैं 6th क्लास से लेके 11th तक के। गुड मॉर्निंग पूजा वर्मा जी, हाँ जी बिल्कुल, एसएससी, रेलवे सभी में इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। चलिए ऑल इंडिया रेडियो से ये न्यूज लिया गया है आपका, ठीक है। डॉक्टर हर्षवर्धन जी की बात करें, फोटो में आप देख रहे हैं। नेक्स्ट है आपका नॉर्थन रेलवे ने रन कराया है फर्स्ट व्यापार माला एक्सप्रेस ट्रेन, कौन सी ट्रेन रन कराई है, व्यापार माला, दिव्यांशी जी हेलो, व्यापार माला एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो रन कराई है,
किसने? नॉर्थर्न रेलवे ने। नॉर्थर्न रेलवे ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे देशवासियों, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। नॉर्थर्न रेलवे जो है इसने क्या किया है, व्यापार माला एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो रन कराई है, और जो यहाँ के जनरल मैनेजर कौन है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जनरल मैनेजर कौन है नॉर्थर्न एंड नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के? राजीव चौधरी जी। इनका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है, इनका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, ये याद रखना है आपको। और यहां पे क्या इन्होंने बताया है, दिस ट्रेन डेस्टाइन फॉर जिरानिया इन त्रिपुरा हैज 46 वैगन्स। तो यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे ये नहीं पूछेगा भाई कितने वैगन्स में आप यहाँ पे जो है वीट ले गए, कितने वैगन्स में गेहूं ले गए हैं, कितने वैगन्स में जो है आप पल्सेस ले गए, कितने में राइस ले गए हैं, ना पूछेगा मेरे भाई। लेकिन हाँ इतना पूछ सकता है कि कितना इनकम करेगा, 34 लाख, सॉरी 94 लाख रुपीज ये यहाँ से अर्न करने वाला है। और ये जो ट्रेन आपका चलाया गया, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो आपका ये जो ट्रेन चलाया गया है, मतलब यहाँ से क्या बोलते हैं आपके पंजाब से त्रिपुरा तक ये जो ट्रेन चलाया गया है ये किस इनिशिएटिव के अंडर में कराया गया? सौरभ जी, राधे 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 राधे, जय श्री कृष्णा। चलिए तो ये आपको याद रखना है किसके अंडर में कराया गया, तो ये आपका व्यापार माला एक्सप्रेस इनिशिएटिव के अंडर में कराया गया, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। अब यहाँ से और क्या पूछा जा सकता है, तो फ्रॉम दिस व्यापार माला एक्सप्रेस ट्रेन रहेगा ये इसने अर्न किया है, और यहाँ से जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका ये रहेगा कितना किलोमीटर जो है इसने डिस्टेंस कवर किया है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट चलेंगे न्यूज की तरफ। अगली न्यूज है आपकी ग्रामोद्योग विकास योजना से रिलेट करती हुई है, ये गवर्नमेंट स्कीम्स है, गवर्नमेंट ने लॉन्च किया प्रोग्राम आर्टिसंस इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग। तो इसमें क्या है, जो आपका केवीआईसी है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, स्टेचुअरी ऑर्गेनाइजेशन है, ये किसके अंडर में, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के अंडर में, ठीक है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। हाँ मेरे पास बहुत सारी राखियां हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है कि जो आपका केवीआईसी है किसके अंडर में आता है, तो आपका मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के अंडर में आ जाता है ये ऑर्गेनाइजेशन। एंड इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ से और क्या इंपॉर्टेंट बनेगा, तो ये जो आपका आर्टिशंस के लिए जो भी आपके वर्कर्स हैं तो उनके लिए यहाँ पे अगरबत्ती मैन्युफैक्चरिंग मशीन इनको प्रोवाइड कराई जाएगी, 200 ऑटोमेटिक अगरबत्ती मेकिंग मशीन एंड 440 मिक्सिंग मशीन विल बी प्रोवाइडेड टू द आर्टिशंस। आर्टिशंस को ये प्रोवाइड कराई जाएंगी इस स्कीम के अंडर में, गवर्नमेंट ने लॉन्च किया जो प्रोग्राम आपका ग्रामोदय विकास योजना उसमें। तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई की अगर हम बात कर लेते, तो नितिन जयराम गडकरी जो है वो यूनियन मिनिस्टर है, नागपुर महाराष्ट्र कॉन्स्टिट्यूएंसी है, प्रताप चंद्र सारंगी मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, और केवीआईसी की बात करें, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन की बात कर लें तो ये विनय कुमार सक्सेना जो है वो चेयरमैन है, और मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है, ये याद रखना है। आगे हम बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज की तरफ। तो इंडिया और इसराइल ने कोलेबोरेशन किया है, और कोलेबोरेशन के बाद में क्या किया, डेवलप किया है। देखिए पहले क्वेश्चन आ जाता है कि इंडिया और इसराइल ने क्या किया, कोलेबोरेशन किया, एक सवाल पहला क्वेश्चन। दूसरा क्या है कि ये कोलेबोरेशन जो हुआ है वो किस लिए किया गया है, तो डेवलप करने के लिए रैपिड टेस्टिंग फॉर कोविड-19 इन अंडर 30 सेकेंड। 30 सेकेंड के अंदर में, अंडर में 30 सेकेंड के अंडर में हम क्या करें, हम रिजल्ट दे दें, हम टेस्ट कर लें आपका कोविड-19 को। तो वो आपकी टेस्टिंग किट जो है, वो रैपिड टेस्टिंग जो है वो आपका इंडिया और इसराइल के कोलेबोरेशन के बाद में ये डेवलप किया गया है, और यहाँ पे एक्सपर्ट्स जो है इंडिया एंड इसराइल से, इन्होंने इनके कोलेबोरेशन के बाद में डेवलप किया गया रैपिड टेस्टिंग फॉर कोविड-19 इन अंडर 30 सेकेंड बाई मर्जिंग द टेक्नोलॉजी एक्सपर्टाइज ऑफ इसराइल विद इंडियन डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज। ये तो बात हुई कि ये टेस्टिंग किट आपका डेवलप किया गया है 30 सेकेंड के अंडर में होना चाहिए, इंडिया और इसराइल के कोलेब्रेशन के बाद में किया गया। अब यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे टेस्ट भी स्टार्ट हो चुका है, मतलब ये ट्रायल भी स्टार्ट किया गया। अब ये जो ट्रायल कंडक्ट कराया गया ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में कराया गया है, किसमें, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में कराया गया। एंड लार्ज सैंपल ऑफ पेशेंट्स फॉर 4 डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजीज रहेंगे, आपकी वॉइस टेस्ट, ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट, आइसोथर्मल टेस्टिंग और पॉलियामिन एसिड टेस्टिंग, ठीक है। तो ये सारी, ये आपके चार जो है वो आपके डिफरेंट काइंड टेक्नोलॉजीज इसमें रहने वाले हैं, ये आपको याद रखना है। आगे चलेंगे हम,
चलिए अभी क्लियर होगा, मेरी आवाज आपको आ रही होगी। एम आई ऑडिबल और विजिबल राइट नाउ? प्लीज एक बार कंफर्म करें, क्या मेरी आवाज आप लोग सुन पा रहे हैं? हाँ जी, अभी क्लियर है ना एकदम? हाँ, एक बार सभी लोग बता दें क्या क्लियर है, सभी लोग एक बार कंफर्मेशन दे दें क्या क्लियर है। ओके ओके ठीक है। एक्चुअली थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम कर गया था, तो हम यहाँ पे स्टैटिक पोर्शन की बात कर रहे थे। तो स्टैटिक में अभी हमने इसराइल जो है वो आपका हम लोग डिस्कस कर रहे थे। इसराइल का कैपिटल क्या है? जेरूसलेम कैपिटल है। करेंसी जो है इसराइली सेकेल करेंसी, और प्रेसिडेंट जो है वो रिवेन रिवलिन यहाँ के प्रेसिडेंट है। ठीक है, चलिए ओके, काफी लोग चले गए, एक बार शेयर कर देना दोबारा फिर से। एडीबी ने यहाँ पे साइन किया आपका 200 मिलियन डॉलर का फाइनेंसिंग डील रिलायंस के साथ में। ये कल कल की न्यूज में मैंने आपको कराया हुआ था कि बांग्लादेश में एक पावर प्लांट लगाने के लिए रिलायंस इंडस्ट्री ने क्या किया है, आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ में एक डील साइन किया है। 200 मिलियन फाइनेंशियल फाइनेंसिंग डील जो है ये आपका रहेगा। ठीक है, ये हमने मैंने आपको ये कल करा दिया था। ओके चलो, कल की न्यूज में हमने ये कवर किया हुआ था। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट डे सेक्शन की तरफ चलेंगे, तो आपका यहाँ पे वर्ल्ड संस्कृत डे जो है वो कब ऑब्जर्व किया जाता है? 3 अगस्त को ऑब्जर्व करते हैं हम लोग। वर्ल्ड संस्कृत डे जो है वो 3 अगस्त को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करें वर्ल्ड संस्कृत डे को, हम संस्कृत दिवस के तौर पे भी जानते हैं, इसके नाम से भी जानते हैं। और इसको एवरी ईयर जो है वो आपका श्रावण पूर्णिमा जो रहती है, श्रावण पूर्णिमा को हम लोग ये एवरी ईयर सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड संस्कृत डे को। और श्रावण पूर्णिमा डे पे हम लोग इस डे को सेलिब्रेट करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस बार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 3 अगस्त को किया गया, इस बार कब किया गया? तो 3 अगस्त को, यानी कि श्रावण पूर्णिमा का मतलब है आपका रक्षाबंधन वाले दिन वर्ल्ड संस्कृत डे को ऑब्जर्व किया जाता है, हिंदू जो आपका हिंदू कैलेंडर है उसके अकॉर्डिंग, हिंदू कैलेंडर है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, ये आपको याद रखना है। एंड अगर हम बात करें संस्कृत लैंग्वेज जो है वो आपका डिक्लेयर किया गया था सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज उत्तराखंड का। यहां से क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है कि संस्कृत जो है वो किस स्टेट का सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज है, किस स्टेट का? तो उत्तराखंड आंसर होगा आपका। एंड संस्कृत डे जो है वो फर्स्ट टाइम कब सेलिब्रेट किया गया था? तो 1969 में किया गया था। कब किया गया था? 1969 में, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे हम बात करते हैं वर्ल्ड लंग कैंसर डे जो है वो कब ऑब्जर्व किया जाता है। वर्ल्ड लंग कैंसर डे जो है वो आपका 1 अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है। कब किया जाता है? 1 अगस्त को, वर्ल्ड लंग कैंसर डे इंपॉर्टेंट रहेगा, 1 अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है। ओके, यहां से अगर हम बात करें फर्स्ट इसको कब ऑर्गेनाइज कराया गया था, फर्स्ट आपका 2012 में ऑर्गेनाइज कराया गया था। किसके द्वारा इसका इसको ऑर्गेनाइज कराया गया था? तो वो है आपका फोरम ऑफ इंटरनेशनल रेस्पायरेटरी सोसाइटीज के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज कराया गया था। ये इंपॉर्टेंट रहेगा। बिल्कुल शुभम वर्मा जी, मेरी क्लास सुबह 8 बजे स्टार्ट होती है। नेक्स्ट आपका वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रेस्ट फीडिंग वीक जो है वो कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो 1 अगस्त से 7 अगस्त तक ऑब्जर्व किया गया वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक, सेलिब्रेट किया जाता है एनुअली इसको। एंड 1 अगस्त से 7 अगस्त तक, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। और ये फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त, मतलब जो वीक जो फर्स्ट वीक होता है अगस्त का, उस वीक में हम लोग इस वीक को सेलिब्रेट करते हैं। कौन सा? वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक। वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक जो है वो आपका 1 अगस्त में ऑब्जर्व किया जाता है। कब से सेलिब्रेट कर रहे हैं इसको? 1992 से कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट रहेगा। यहां से इसका थीम सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर अ हेल्थियर प्लेनेट, इस बार का इसका थीम था, ये इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें यहाँ पे वावा की, तो ये हेडक्वार्टर इसका पेनंग मलेशिया में है। फेलिसिटी सेवेज की बात करें, चेयरपर्सन है फेलिसिटी सेवेज। यूनिसेफ की बात करते हैं, तो यूनाइटेड स्टेट्स मैं इसका हेडक्वार्टर है, न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर है। और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है वो हेनरिएटा H4 है, हेनरिएटा H4। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए नेक्स्ट है आपका स्टैटिक हमने कवर कर ही लिया। नेक्स्ट न्यूज है आपका नेशनल माउंटेन क्लाइंबिंग डे जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है 1 अगस्त को। नेशनल माउंटेन क्लाइंबिंग डे जो है वो कब ऑब्जर्व करते हैं? 1 अगस्त को ऑब्जर्व करते हैं एवरी ईयर। एंड द एडवेंचरस डे वॉज एस्टेब्लाइज इन ऑनर ऑफ बॉबी मैथ्यूज एंड हिज फ्रेंड जॉस मेडिगन। तो ये जो डे है ये किसके ऑनर में स्टेबलाइज किया गया, इंपॉर्टेंट बन जाता है मेरे भाई, ये यहां से इंपॉर्टेंट बन जाता है।
कि इंटरनेशनल माउंटेन क्लाइंबिंग डे जो है वो कब ऑब्जर्व किया जाता है? 1 अगस्त को ऑब्जर्व करते हैं एवरी ईयर। भैया क्यों करते हैं, तो किसके ऑनर में किया गया इस डे को स्टार्ट? कोई ना कोई तो वजह रही होगी, जैसे लोग मुस्कुराने की वजह बना लेते हैं, मुस्कुराने की वजह, तो वैसे ही भाई इस डे को सेलिब्रेट करने की भी कोई वजह होगी। तो वजह क्या है? वजह यह है कि बॉबी मैथ्यूज और उनके फ्रेंड जॉस मेडिकन ने सक्सेसफुली क्लाइंब किया था 46 हाई पीक्स जो न्यूयॉर्क स्टेट्स में है, एडिरोंडेक माउंटेन 2015 में, इसलिए इस डे को सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम बात करें डेज की लिस्ट की। तो 30th जुलाई को कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं? 30th जुलाई को और कौन सा किया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ फ्रेंडशिप किया जाता है। 31st जुलाई को वर्ल्ड रेंजर डे किया जाता है। 1 अगस्त को इंडिया सेलिब्रेट करता है मुस्लिम वुमेन्स राइट्स डे। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहां से इंपॉर्टेंट है। चलिए बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज की तरफ चलेंगे, फाइनेंशियल सेक्शन की तरफ। तो कैनरा बैंक ने टाई अप किया है, कैनरा बैंक ने टाई अप किया है किसके साथ में? 3 इंश्योरर्स के साथ में। किस लिए? प्रोवाइड करने के लिए कोरोना कवच पॉलिसीज को। अभी बताया था ना कि कोई भी चीज होती है भाई ना, कोई ना कोई वजह होती है ना, कोई ना कोई तो वजह होती है। अब यहाँ पे कैनरा बैंक ने टाई अप किया है किसके साथ में? 3 इंश्योरर्स के साथ में किया। अब भैया किस लिए किया है? कोई ना कोई तो वजह रही होगी, तो मुस्कुराने की वजह तो मो। और यहाँ पे क्या है? कोरोना कवच पॉलिसी दी जाएगी, कोरोना कवच पॉलिसी दी जाएंगे। तो कैनरा बैंक ने किस किस के साथ में टाई अप किया, दैट इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत ज्यादा कैनरा बैंक ने किसके साथ में टाई अप किया है? तो न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ में किया, बजाज एलियंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ में किया, HDFC इर्गो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के साथ में किया। तो ये 3 इंश्योरर्स के साथ में कैनरा बैंक ने क्या किया है? कैनरा बैंक ने टाई अप किया है। अब किया है क्यों? तो किया है प्रोवाइड करने के लिए कोरोना कवच पॉलिसी को। और इस स्कीम के अंडर में, इसके अंडर में क्या होगा, एमंग की फीचर्स ऑफ दिस पॉलिसी आर, परचेज कर सकता है कोई इंडिविजुअल या फिर फैमिली फ्लोटर बेसिस पे। मिनिमम सम इंश्योर्ड जो रहेगा 50,000 का रहेगा, मैक्सिमम जो रहेगा 5 लाख का रहेगा। मैक्सिमम कितने का रहेगा? 5 लाख का रहेगा। कैनरा बैंक की बात कर लेते हैं, तो बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है और लिंगम वेंकट प्रभाकर इसके सीईओ हैं। लिंगम वेंकट प्रभाकर जो है वो इसके सीईओ हैं। कॉन्ट्रैक्ट MOU और एग्रीमेंट की साइन की तरफ चलते हैं। तो इंडिया और UK ने टाई अप किया है 8 मिलियन पाउंड मेडिकल रिसर्च के लिए। तो जो आपका इंडिया है और UK है, इसने क्या किया है? इसने साइंस एंड रिसर्च कोलैबोरेशन किया है 5 नए प्रोजेक्ट के लिए 8 मिलियन पाउंड का। कितने का किया है? 8 मिलियन पाउंड का कोलैबोरेशन यहाँ पे टाई अप किया है इंडिया और UK ने, साइंस एंड रिसर्च कोलैबोरेशन है ये। 5 नए प्रोजेक्ट्स हैं और उसके लिए 8 मिलियन पाउंड जो है इसका वैल्यू है। ठीक है, 8 मिलियन पाउंड जो है इसका वैल्यू है, ये आपको याद रखना है। एंड UK की बात करें, ये कंट्रीब्यूट करेगा 4 मिलियन पाउंड ये आपका फ्रॉम द UK रिसर्च एंड इनोवेशन से। एंड इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है, इंडिया कंट्रीब्यूट करेगा 4 मिलियन पाउंड फॉर द फंडिंग ऑफ द 5 प्रोजेक्ट दैट आर प्लान्ड फॉर September 2020। तो 4 मिलियन पाउंड जो है वो UK आपका कॉन्ट्रीब्यूट करेगा और 4 मिलियन पाउंड जो है वो आपका इंडिया कंट्रीब्यूट करेगा। UK की बात कर लेते हैं, तो अलेक्जेंडर बोरिस जॉनसन जो है वो प्राइम मिनिस्टर है और स्टर्लिंग पाउंड यहाँ का करेंसी है, लंडन कैपिटल है। चलिए बहुत खूब स्पोर्ट्स न्यूज की तरफ चलेंगे। तो वर्ल्ड कप विनर जो है वेनेडिक्ट हाउडेज, इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस किया, रिटायर्ड फ्रॉम सॉकर से ये रिटायर हुआ है। ठीक है, जर्मन से है फुटबॉलर वेनेडिक्ट हाउडेज, इन्होंने सॉकर से रिटायरमेंट अनाउंस किया है। ये फोटो में आप देख रहे हैं फुटबॉलर। चलिए अवार्ड्स एंड ऑनर्स की तरफ चलेंगे। तो बंगाल गवर्नमेंट जो है, उस बंगाल गवर्नमेंट का जो ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम है, इसने यहाँ पे प्राप्त किया टॉप अवार्ड। ठीक है, जो 66th स्कॉच समिट हुआ है उसमें उसके द्वारा, जो आपका स्कॉच फाउंडेशन है उसके द्वारा, यहाँ पे चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में क्या किया गया, बेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का जो रिड्रेसल पोर्टल है, ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम जो है उसको क्या किया है, उसको यहाँ पे दिया गया है टॉप अवार्ड दिया गया है। स्कॉच की बात करते हैं, तो चेयरमैन समीर कोचर है और हेड ऑफिस गुड़गांव हरियाणा में। ओके, चलिए बुक्स एंड ऑथर्स में ऑस्कर विनर हैं आपके मैथ्यू मैक कॉनगी,
इन्होंने लिखा एक डिबट बुक, बुक का टाइटल क्या है, ग्रीन लाइट्स बुक का टाइटल है ये बुक इन्होंने लिखा है। ये ऑस्कर विनर रह चुके हैं आपके एक्टर मैथ्यू मैकोनॉगी, मैकोनॉगी। ओके तो ये बुक जो है ये अक्टूबर 2020 में रिलीज करी जाएगी। ये बुक का टाइटल है, लिखी किसने, तो मैथ्यू मैकोनॉगी ने लिखी है, ठीक है। ऑस्कर विनर हैं ये भाई, ये इंपॉर्टेंट रहता है बस। चलिए ये फोटो में आप देख रहे हैं, ये मैथ्यू मैकोनॉगी हैं और इन्होंने ये ऑस्कर ऑस्कर विनर हैं और इन्होंने ग्रीन लाइट्स ये बुक जो है वो लिखी है। नेक्स्ट हम चलेंगे ऑबिचुरीज सेक्शन की तरफ। तो ऑबिचुरीज में फॉर्मर अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर जो आरडी प्रधान, इनका हाल ही में निधन हुआ है। आरडी प्रधान जी का ये क्या थे, ये आपके फॉर्मर गवर्नर थे अरुणाचल प्रदेश के, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे अगर हम बात करें नेक्स्ट उसके साहित्य अकादमी विनर जो है सा कंद स्वामी, सा कंद स्वामी ये फिल्म मेकर और तमिल राइटर, फेमस तमिल राइटर और डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हैं सा कंद स्वामी। इनका भी हाल ही में निधन हुआ 81 की एज में हार्ट अटैक की वजह से, हार्ट अटैक की वजह से। ओके ये फोटो में आप देख रहे हैं ये सा कंद स्वामी है। इसके अलावा कंदा स्वामी, इसके अलावा अगर हम बात करें, ये लिस्ट आपकी दे दी है कि अभी कितने लोग यहाँ से निकल लिए हैं, मतलब सॉरी कितने लोग जो है वो गुजर गए, कितने लोग पास डबे हो गए, मतलब जिनकी डेथ हो गई, वो लिस्ट आपको पूरे मंथ की मिल जाएगी। तो अशोक मुस्तफी क्रिकेट कोच थे, वेस्ट बंगाल से थे, ठीक है। अनिल मुरली एक्टर थे, ठीक है, मलयालम एक्टर थे। और इसके अलावा सोमेन मित्रा की बात करें तो कांग्रेस प्रेसिडेंट, वेस्ट बंगाल से थे ये। जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट से संजय गुप्ता जी थे, ये हाई कोर्ट जज थे। चलिए क्वेश्चंस ऑफ द डे, स्टैटिक के क्वेश्चन आपके लिए हैं, आ जाइए। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक सिचुएटेड, कोटक महिंद्रा बैंक का हेडक्वार्टर कहां पे। इजी क्वेश्चन है, इजी सवाल है, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी। कोटक महिंद्रा बैंक का हेडक्वार्टर, जितने लोग रिकॉर्डेड देख रहे हैं वीडियो पॉज करेंगे और कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, अगर नहीं पता होगा तो गूगल करके लिखेंगे। ये होमवर्क है आपके लिए, ये होमवर्क है आपके लिए, अगर नहीं पता है तो फिर आपने इसको गूगल करना है और लिखना है। आप नोट्स बनाइए ना स्टैटिक की, कॉपी बनाइए अलग से, उसमें लिखिए, है ना। तो इसका इसका आंसर क्या होगा, थर्ड जीएसटी डे कब ऑब्जर्व किया जाता है। और नेक्स्ट आपका, हु इज द चेयरमैन ऑफ सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी के चेयरमैन आपसे पूछे गए हैं, सेबी के चेयरमैन। ये मैं कल की क्लास में आपको बताने वाला हूं, कल की क्लास में मैं इनको डिस्कस करूंगा, इनके सभी आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आपका, हु इज द करंट सीईओ ऑफ नीति आयोग, करंट सीईओ कौन है नीति आयोग के। और पेटा के, पेटा का हेडक्वार्टर पूछा गया आपसे, पेटा का हेडक्वार्टर पूछा गया। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे प्यारे मित्रों, अगर आपको क्लास थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। पीडीएफ के लिए आप अनअकैडमी यूट्यूब, अनअकैडमी जो बैंक एग्जाम्स करके टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस चैनल को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, मतलब इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दो और शेयर कर दो। थैंक यू सो मच, आपका इतना ही आभार है। बाकी अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर जस्ट हम लोग एमसीक्यूज की क्लास करने वाले हैं, उधर आ जाइए। थैंक यू सो मच, जय हिंद। अपना ध्यान रखिएगा क्योंकि आपसे ही हम हैं। With destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. India will awake to life and freedom. Chal uth ja, let's crack it, zor de laga, let's crack it, ghed ko chhod de, let's crack it, raaste mod de, let's crack it, chal uth ja, let's crack it, zor de laga. साधन सी है ये बात, परीक्षा करनी है पास, रोक के रखना अपनी सांस, अपनी एक ही आस, एक ही आस। पीछे सारे मंत्र और रट ले सारे फॉर्मूले, जब तक पार लगे ना नहीं है तब तक रेस्ट ना तू ले। तो इस बार तू आड़ दे, 6 फुट अंदर गाड़ दे, आसमां को फाड़ दे, जोर से दहाड़ दे, अंदर की आवाज सुन जो तेरे भीतर आई है। जोर लगा तो जोर लगा, Let's crack it. लड़ जरा कुछ कर दिखा, Let's crack it. लड़ जरा कुछ कर दिखा, Let's crack it. जोर लगा तो जोर लगा, लड़ जरा कुछ कर दिखा। तू काने है बड़ी, इनकी भोकते बड़ा भारी है, पीका है पकवान इनका, शिक्षा के व्यापारी है। एक नंबर तेरा काम, फीस यहाँ बहुत ज्यादा है, तू बाकियों से पीछे है, तू देख कितना नीचे है। बाप का सिक्का चलता है, तेरा बाप कमाता सिक्के है। मत सुन इनकी ये धुन, इनकी तू बढ़ता जा, बस करता जा, क्रैक करते जा।
लड़ते जा, हिम्मत नहीं हार, सबको करके दिखा क्या तेरा भाई तेरा दोस्त तुझसे बोल रहा, कर दिखा लड़के दिखा।